काकरेल किया सर, काकरेल काम कुछ दिन तो साल दो साल, फिर ब्रायलर डाला यहीं पर, ये अपना ऑफिस था यहीं पर, तो ब्रायलर भी काफ़ी मर गया, तो समझ भी नहीं आया अपने कैसा कैसा मर रहा था। अब उसका टेम्परेचर भी सही नहीं दे पा रहे थे अपन, अब बल्ब के द्वारा कभी लाइट भी गोल हो जा रही थी, तो मुर्गा काफ़ी नुकसान हुआ। फिर उसको ब्रायलर के बाद में फिर उनने सिंथेटिक बुलाया था वहाँ से बेंगलोर से, तो वो तो अच्छा पला, मतलब लाइट से अच्छा पल गया था। बारिश पहले बहुत होती थी तो हमारे पास दाना भी नहीं रहता था कि हम बाहर से लेते थे दाना। फॉर लाइक 30 years, सो दीज वेर द शेड्स, सो द शेड्स वेर बेसिकली ऑफ दिस मॉडल, सो एंड द कैपेसिटी वुड बी मैक्सिमम ऑफ 300 एंड द रूफ हैड क्ले टाइल मॉडल जस्ट लाइक वी कैन सी। बाहर से चूजे लाते थे हमको तो समय पे नहीं मिलता था, महंगा भी मिलता था, और फिर हमारा मुर्गा भी ज़्यादा बजट देता था, मतलब उसमें हमको बेनिफिट कम होता था। कठिन तो सर एक तो उस समय का पैसा नहीं था, पैसा है ना। दूसरा एक था कि अपना मार्केट नहीं था, एक ही हमारे जो बेच रहे थे हमारे जितने मुर्गी के हिसाब से हमारा एक मार्केट था, एक साढ़नी और एक बैतूल। सन 88 या 89 में जो सब आया, जो सब साहब, तो उनने फिर ये ब्रायलर का पालने का बताया, ये बुरादा भी उसी समय से फिर चालू किया, नीचे बुरादा फैला के रखना है इसको, ये उनने बताया, तो उस हिसाब से फिर ब्रायलर चालू हुआ, तो ब्रायलर ही चल रहा है। अने अपना जो 94 और जो इसके बीच में 2000 के बीच में ही कि बढ़ना थोड़ा स्टार्ट हुआ, उसमें समितियां सर 2000 से अने बढ़ी हैं। आप दोनों की वजह से तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, प्रधान वो SHG ग्रुप जो चालू हुआ, मुर्गी पालन का काम चालू हुआ, बाकी SHG ग्रुप में जुड़ने से बहुत से काम मिले हम लोगों को, और वो ही सब काम करते हुए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो हम लोग हर्रापुरा एक गांव है, वहाँ ट्रेनिंग गए थे दीदियों के पास, तो पहले वो दीदी लोग हम लोगों को बताए समझ नहीं आया, लेकिन वहाँ का सुपरवाइज़र था वो बहुत अच्छा था, जैसे दीदियों का हर एक दीदियों का दवाइयों के नाम नहीं आते थे हम लोगों को, तो हम लोग 10 दीदी थे तो 10 यानी कि दवाइयों के नाम रख दिए दीदियों का, जैसे किसी को नेप्टोन बोलना तो किसी को एप्लोरगट से ऐसा नाम रख दिया हम दीदियों को। फिर हम लोग वहाँ से ट्रेनिंग 10-15 दिन करके आए, और फिर हमारे पास हम लोगों ने पूरी तैयारी की, फिर चिक्स डाला तो फर्स्ट में डर लग रहा था कि पता नहीं हम दवाई कहीं कम तो नहीं डाल रहे, ज़्यादा तो नहीं डाल रहे, लेकिन एक लाट हमारा बहुत अच्छे से निकल गया, और फर्स्ट बार में ही सर हमारा 10,000 से ऊपर का पेमेंट बना था 600 पाल के। सो इन पोल्ट्री प्रोडक्शन वेंटिलेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी टेक केयर ऑफ।
सो बिकॉज वी लाइक ऑक्यूपाई 500 और 300 बर्ड्स लाइक एट द सेम टाइम इन अ शेड. सो वॉट द प्रॉब्लम इज दैट दे एक्सक्रीट अ लॉट ऑफ बीट एंड दिस बीट कंटेन लॉट ऑफ टॉक्सिक गैसेज. अमोनिया गैस इज रिलीज वेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद अ लिटर. सो वी नीड प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर दिस गैसेज टू गो आउट ऑफ द शेड so that these birds doesn't have any respiratory problems or many kind of diseases that arise because of this type of toxic gases. So we mainly focus on the ventilation system. So when I come to the grills that we use for proper ventilation, we see here that these are the rectangular type of grills. So these are not that much beneficial for our ventilation system to pass because these are too compact for the airs to pass. So gradually we have come across a new kind of ventilation system that is cross-chained ventilation system. So these have more like a diamond-shaped type of ventilation pores so that the air can pass through it more conveniently and more easily, and all the toxic gases that are produced within the shed, they all pass throughout the shed with no like obstruction. तो फिर हमने मीटिंग में बात करे कि हम फैक्ट्री क्यों नहीं बनाएं दाना की. फिर हमने सब ने बैठ के बात करके तय करे कि अपना दाना फैक्ट्री क्यों ना हो नीजू. तो फिर हमने एक छोटी मशीन लिए थे यहाँ से, फिर उससे दाना बनता था. इन 2005 वी इंस्टॉल दिस फीड प्लान एंड एट दैट टाइम टू इंस्टॉल दिस काइंड ऑफ ए फीड प्लान वॉज अवर ड्रीम. इट इज़ ए मशीन टू प्रोड्यूस 7 to 8 टन ऑफ फीड एवरी आवर. तो हमारे दीदी होने से बढ़ते रहे. फिर दाना पुरने नहीं लगा फिर भी छोटी चक्की से. तो फिर हमारे सर लोगों ने फिर बात करे, फिर तेरे बड़ी फैक्ट्री लगाए. फिर हमारे यहीं आपिस की केपिस की साइड में एक बड़ी फैक्ट्री लगी, फिर उससे दाना हमारा बनने लगा. तो फिर बड़ी फैक्ट्री तीरथपुर में खुलवाए हैं. फिर सब समिति ने मिल के सर लोगों ने सब इधर उधर से पैसा की वो करके नहीं और बड़ी फैक्ट्री खोले हैं. फिर उससे दाना सब झिंगा जाने लगा. So this is one of the central India's biggest feed plant, and we produce only commercial feed here. So we produce commercial broiler feed, commercial layer feed, and this is the unit which is called premix unit. So we prepare the premix first in this unit, then this premix goes to the feed plant, and in the plant it is mixed with all those major ingredients for energy and protein, used for energy and protein. This plant can process almost 250 ton of feed in 3 shifts of a day. This is run through this TLC system. So basically there is a TLC operator, and he ensures that every functions of the plant is running well. And once these bins are filled up with raw materials, it does not require any human intervention. It runs automatically, and you only need to collect the processed feed from the processing plant.
बाहर से चूजे लाते थे हमको तो समय पे नहीं मिलता था, महंगा भी मिलता था। अगर हमारा ही चूजा रहेगा वो हमारी कंपनी जो होएगी चूजे खींच रही तो हमारे पास रहेगा सब पैसे, चूजा मुर्गा सारी चीज। और हम जो बाहर से खरीदेंगे तो वो तो बाहर की कंपनी ले जाएगी, और अगर हमारी कंपनी से ही सब मिलेगा तो हमारा जो मुनाफा होएगा तो हमारे पास रहेगा। This is 72 weeks age flock, and here these are the female line, and then at the top you will get male line also. Somewhere there, they are maintaining male, so they will collect the semen from the male and inseminate twice in a week, and eggs are collected 3 to 4 times a day. So basically, these eggs are collected from the breeder farms, and those are brought here, and then they will clean the eggs. And otherwise, if there is any dirt, then it will reduce the hatchability. There will be blasting of eggs in the hatchery machine. And once these are clean, they will do sorting and grading. So similar size of eggs, which are good for hatching, they will keep it in separate trays. And eggs which are of higher size, they will keep it in separate trays, and those eggs which are not suitable for hatching, they will keep it separately. Otherwise, hatching eggs will then from here it will go to fumigation. So these eggs will be fumigated and then it will go to setting machine. In the hatchery operation, there are two set of machines. One is setter, one is hatcher. For the initial 18 days of life, the eggs are set to the setter machines. And this setter machine actually provides the artificial ambience to the eggs. It provides the specific temperature, it has specific humidity to help the embryo inside the eggs to grow. And after 18 days, the eggs are undergone one process is called candling. It is the way, very simple way, light trespasses through the eggs and there is a detection of the infertile eggs. And the fertile eggs are again shifted to the setter. A hatcher for next 3 days of incubations.